हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। सही इंसान हमेशा गलत करने से डरता है, क्योंकि सही और गलत के प्रति उसका रवैया संवेदनशील होता है। लेकिन गलत इंसान के अंदर ऐसा कोई डर नहीं होता, और जब भी गलत इंसान निर्भीक हो जाता है तो वो समाज में डर का माहौल पैदा कर देता है। समाज के इस डर को कम करने के लिए गलत लोगों के मन में ऐसा डर पैदा किया जाना चाहिए ताकि वो कोई भी अपराध करने से पहले कई बार सोचे। पर सवाल ये भी है कि क्या कोई भी सजा अपराधी की मानसिकता को बदल सकती है? पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ और ऐसी न्यूज है, आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। हाँ पापा, और अब मैं पीएचडी भी कर सकती हूँ। बेटा, हमारे खानदान में, हमारे गांव में आज तक किसी लड़की ने इतनी पढ़ाई नहीं की है जितना कि मुझे मुझे गर्व है तुझ पे। पापा, आप तो इमोशनल हो गए। चलो एक काम करो, जल्दी से रेडी होके मम्मी को कैफे लेकर के आ जाइए, आपके लिए और एक सरप्राइज है। चलो चल बेटा चल। अरे पापा, अरे काट लेगा। अरे जल्दी चल। मम्मी पापा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई मीन यदुवेंद्र। करते क्या हैं आप? सर, मैं एलएनसी कॉलेज में प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ। लेकिन आप और हम दोनों अलग कम्युनिटी से हैं, इससे आपके माता पिता को कोई परेशानी तो नहीं होगी? सर एक्चुअली मेरी फैमिली इन सब में बिलीव तो करती है, पर मैंने अपनी मॉम को मना लिया है सर, वो एग्री है। इधर आ। तेरी एक एक हरकत पे मेरी नजर है, कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो जानता मैं क्या करूंगा तेरे साथ। अरे काहे डांट रहे हैं बच्चे को भाई, आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, खूब लगन से काम करता है, बस सीधा है थोड़ा। भगत जी, इसके भोले भाले सूरत पर मत जाइएगा, नंबर दिया ना आपको, कोई भी ऐसी वैसी हरकत करे एक बार फोन कर लीजिएगा। आज लग रहा है पूरी कायनात अपनी मुट्ठी में है, लग रहा है पक्का इतिहास रचने वाला है। वाह। सॉरी मम्मी, वो डिनर करने में लेट हो गए थे। हाँ बस घर ही आ रही हूँ। अच्छा सुन, अकेले मत आना, तेरे उस प्रोफेसर को बोलना घर तक ड्रॉप कर दे। हाँ वो मुझे घर ही छोड़ने आ रहे हैं, डोंट वरी। चलो मम्मी मैं रखती हूँ अभी ना। सॉरी। इट्स ओके। छवि, दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं मिला है, और इस रूट पे रात में बस की सर्विस भी बहुत कम है, क्या करें? अरे दीदी, कहाँ जाना है? वो गोमती नगर। गोमती नगर, आइए बस में चढ़िए, गोमती नगर से जाएगी। आइए आइए। ₹20 तो एक सवारी का, दोनों अलग अलग हो क्या? नहीं नहीं एक साथ है। अरे भाई छोरा ना, भाड़ा नहीं मालूम बस का, बस का रूट भी नहीं मालूम होगा। तो अपने वाले गोमती नगर ले चले। बढ़िया आइडिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अब तू हमें रास्ता बताएगा कि? गोमती नगर में एक रूम ले रखा है ना तूने इस लड़की के लिए। देखिए हमें नहीं जाना है, अब उसकी गाड़ी करके बैठ जा। हीरो, जो भी चुम्मा चाटी कर रहा ना यही कर ले, होटल के पैसे बचा रहा हूँ, चल शुरू हो जा। सुनिए ना, 10 बज गए और छवि अब तक नहीं है, जरा फोन लगाइए ना। फोन स्विच ऑफ जा रहा है क्या? शायद बैटरी खत्म हो गई। मैं काम करता हूँ, यदुवेंद्र को फोन करके पूछता हूँ। यदुवेंद्र का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। जब तुम्हारी आखिरी बार छवि से बात हुई थी उस समय कहाँ थी वो? यदुवेंद्र से सीतापुर रोड वाले हॉल में फिल्म दिखाने के लिए लेकर गया था, वहीं कहीं होंगे दूर, जाके ढूंढिए ना। अरे यहाँ से बहुत दूर है,
और वैसे भी छवि ने जो है यदुवेंद्र के पेरेंट्स का नंबर नहीं दिया है हमें। यदुवेंद्र सिद्धार्थ नगर में रहता है। सिद्धार्थ नगर बहुत बड़ा है, अब इतने बड़े एरिया में कैसे ढूंढेंगे हम उसका घर? इन दोनों को यहाँ छोड़ना रिस्की होगा। उठा के बस में डालो, कहीं सुनसान जगह पे फेंक देंगे। उठा लो। चल भाई उठा। के लिए वेट कर लो, बहुत देर हो जाएगी। अब एक काम करो, अपनी गाड़ी में डालो। रेणु शॉल लेके आओ पीछे से। राजवीर हॉस्पिटल में फोन करो, बोले इमरजेंसी है, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। क्या एक्सीडेंट हो गया है? जैन सर, सर सबसे पहले पीसीआर वैन नहीं दोनों विक्टिम्स को देखा और उन्होंने ही विक्टिम्स को एडमिट करवाया। सर ये बहुत ही ब्रूटल केस है, दोनों लड़का लड़की के साथ बहुत हैवानियत की गई है। दोनों विक्टिम्स की हालत आप कैसी है? ट्रीटमेंट चल रहा है सर, लेकिन कह नहीं सकते कि दोनों में से कोई बचेगा या नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास की ये वो काली रात थी जिसकी बर्बरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के गुनाहों के खिलाफ जो आवाज उठने वाली थी वो कानून की किताबों के पन्ने तक हिलाने वाली थी। एक आम इंसान की आंखों में खून उतर आया था और जो होने वाला था वो पहले कभी नहीं हुआ था। सर लड़की को इंसानों ने नहीं जानवरों ने नोचा है, इतनी ब्रुटैलिटी, उसके चेहरे से लेके उसके प्राइवेट पार्ट तक जख्म ही जख्म है। उसके प्राइवेट पार्ट तो 8 इंच तक काटा गया है सर, जैसे कोई नुकीली चीज अंदर घुसाया है। उसके इंटरनल पार्ट सब डैमेज हो चुका है, उसका इंटेस्टाइन भी बाहर आ चुका है सर। डॉक्टर लड़की बच पाएगी? कहना मुश्किल है सर, मैं ये भी नहीं बता सकती कि उसको होश कब तक आएगा। सर मेरी इस लड़के के डॉक्टर से बात हुई, लड़के को होश आ गया, हम उससे मिल सकते हैं। सर सर मुझे फोन आया था कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। नाम क्या आपके लड़के का? छवि नाम है सर उसका। आइए। तो आप लोगों ने सीतापुर रोड से बस ली, उसके बाद क्या हुआ? सर वो बस में। अरे दीदी कहाँ जाना है? उनमें से एक लड़के ने छवि को दीदी कहा। छवि उसे जानती थी? नहीं सर। कितने लोग थे वो? सर वो 5 लोग थे, किसी छठे को फोन करके बुला रहे थे। 5 लोग थे लेकिन कोई छठा भी आने वाला था जो आया नहीं। 5ों को जानते हो आप? नहीं सर। 5ों में किसी को भी जानते हो? दिखने में कैसे थे? अच्छा बस का ड्राइवर या कंडक्टर किसी का भी खुली आपको याद है? सर बस ड्राइवर की दाढ़ी थी। आनंद लो बालक। जो कंडक्टर था वो छोटा लड़का था। आइए बस में चढ़िए, गोमती नगर से जाएगी। बस कैसी थी? छोटी थी बड़ी थी? बस का रंग कुछ भी याद है या नंबर? सर वाइट कलर की चार्टेड बस थी, उस पर ब्राउन कलर का डिजाइन बना हुआ था। और कुछ याद है? बस के बाहर अंदर कुछ भी आपने ऐसा देखा हो जिससे हमें कुछ मदद मिल सके? उड़ जा रहे पंछी। तो बस के पीछे ये स्टिकर लगा हुआ था, व्हाइट कलर की चार्टेड बस है और उस पर ब्राउन कलर से कुछ तो डिजाइन बना हुआ है। बस के पीछे उड़ जा रहे पंछी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सीतापुर रोड से गोमती नगर के रूट की बस है ये। बस में ड्राइवर की दाढ़ी बड़ी हुई है और उसमें जो कंडक्टर है वो छोटी उम्र का है। इनके अलावा उसमें 3 लड़के और हैं, मतलब बस में टोटल 5 लोग हैं। ओवर एंड आउट। देख मेरी मैं ऊपर से ऑर्डर देख एक बार सर। लड़की के मां-बाप सर मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। सर अगर मेरी बेटी नहीं बची ना तो हम भी यही जान दे देंगे।
सुबह होने तक क्रिमिनल्स पुलिस की पहुंच से बाहर जा चुके थे और अगली सुबह आते ही ये खबर चिंगारी की तरह फैल रही थी। पुलिस महकमे से लेकर मंत्रालय तक इस चिंगारी ने भड़कना शुरू कर दिया था और अब एक आग सी लगने वाली थी। जी सर, सर मैं जानता हूँ चारों तरफ से प्रेशर है, लेकिन सर मुझे सिर्फ 48 घंटे दे दीजिए। सर अगर 48 घंटे के अंदर मैं क्रिमिनल्स को अंदर नहीं कर पाया तो आप ये केस किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दीजिएगा, लेकिन सर प्लीज जस्ट गिव मी 48 आवर्स। यस सर, थैंक यू सर। जय। लड़के के बयान के मुताबिक दोनों विक्टिम्स ने तकरीबन रात को 9 बजे सीतापुर रोड से बस ली और उसके 10 मिनट बाद उस बस ने हरिनगर से अपना रूट बदला और दोनों विक्टिम्स को किसी ऐसी जगह ले जाया गया जहां पर उनके साथ धरिंदगी। उसके बाद उन्होंने विक्टिम्स को मोतीनगर में ड्रॉप किया और सबसे ज़रूरी बात, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे, जस्ट 48 आवर्स। इज दैट क्लियर सर? के बारे में कुछ भी पता चले तुरंत अपडेट करो। देखिए कल आप लोग बात करने की हालत में नहीं थे, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? हमें पता चला है कि उनमें से कोई एक आपकी बेटी छवि को जानता था, उसने आपकी बेटी छवि को दीदी कहा था, या कोई ऐसा लड़का है जिसकी आपकी बेटी छवि पर बुरी नजर थी? तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? अरे क्या हो गया दीदी, बड़े गुस्से में लग रही हो। तूने इससे पैसे छीने, शर्म नहीं आई तुझे? तेरी उम्र का ही है, हाँ? तो आप मेरे बराबर की हो, आपके साथ जो चाहे वो कर सकते। तुम जैसे को तो पुलिस स्टेशन में बंद रखना चाहिए। अंकल पहले इसने थप्पड़ मारा था मुझे, समझा लो इसको, और अगर आपकी बेटी नहीं होती ना जान से मार देता इसको। उस लड़के का नाम दीपांकेस है, हमारे मोहल्ले में रहता है, उसके पापा मेरे बेटे के स्कूल टीचर हैं, इसलिए हमने मामला तभी रफा दफा कर दिया। लेकिन सब वो एक नंबर का नशेड़ी है, वो नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। दीपांक, अरे ये मेरे लिए यार, ये मेरे मालूम उधर, अरे कुमार पकड़ इसको उधर, चल सब क्यों, अरे सब 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 मैंने कुछ नहीं किया कुमार, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो ड्रग कौन बेच रहा था? साहब मैं नहीं बेचता हूँ साहब, मुझे नहीं पता सर कौन है वो सब। अब ये बता कल रात किसकी बस में था? सर मैं किसी के बस में नहीं था, मैं तो अपने घर पे था साहब। अभी पता चल जाएगा। कुमार धो इसको, मिश्रा पता करो ये किसी बस वाले को जानता है, इसके एक दोस्त के बारे में पता करो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। यस डॉक्टर। सर छवि को होश आ गया है। गुड डॉक्टर, क्या हम छवि से मिल सकते हैं? नहीं सर, वो बात करने की हालात में नहीं है, पर उसके पेरेंट्स उससे मिलना चाहते हैं, क्या मैं मिलने दे सकती हूँ? यस डॉक्टर, माँ बाप को अपनी बच्ची से मिलने दीजिए। क्या ये था बस में? गुप्ता, ये दीपांक वो छठा लड़का हो सकता है जिसे वो पांचों क्राइम लोकेशन पे बुला रहे थे। पॉसिबल है सर, वो पांचों लड़के दीपांक के दोस्त हो सकते हैं और दीपांक के और दोस्तों का भी पता चला है। ये क्रिमिनल छवि के मोहल्ले के अलावा इसके कॉलेज टाइम के लड़के भी हो सकते हैं, सबकी डिटेल्स निकलवाओ जल्द से जल्द। गुप्ता वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सिर्फ 42 घंटे बचे। ये देखो पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, अब आपको मेरी हायर एजुकेशन के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। आरती भाई जल्दी आओ, ये देखो स्कॉलरशिप, हमारी छवि ने हमारा आधा बोझ ऐसे ही खत्म कर दिया है। दीदी आप तो मुझे भूल ही गई। अरे तुझे भी कैसे भूल गए और तुझे हैं? ऐसे कैसे भूल गए? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर
छवि के कॉलेज टाइम के दोस्तों में एक सस्पिशियस लड़का मिला है सर, परितोष नाम है इसका। ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस में काफी टाइम से अंदर था, लेकिन एक बात है सर, छवि और परितोष के कॉल्स 4-5 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। हो सकता है छवि को बार बार फोन करके परेशान करता हूँ। लड़के का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। सर भाग जाता हूँ, नहीं भागता हूँ, भाग जाता हूँ, मतलब नहीं भागता हूँ, नहीं भागूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा। अभी तेरे बचने का टाइम गया बेटा, अभी तेरे टूटने का टाइम है, समझा? चल सर एक सेकंड, चल डालो अंदर से जल्दी। मैंने कुछ किया होता तो मैं अब तक गायब होता, मिलता ही नहीं मैं आपको। स्मार्ट समझ सभी को स्टॉक करता था ना तू? सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया सर, मैं उससे प्यार करता था अपने कॉलेज टाइम से। तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या? ना तो मैं तुम्हें पहले कभी पसंद करती थी और ना अब करती हूँ। सर उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, हमने भी कसम खाई है केस सॉल्व करके छोड़ेंगे। मिश्रा करो थोड़ा ऐसा लगे। सर इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से स्टिकर हटाया गया है, और बस भी उसी रंग की है जैसा आपने बताया था। बस अंदर से गीली है, सीट और पर्दे भी गीले हैं, और फर्श भी एकदम साफ है। हो सकता है बस को अंदर से धोया गया हो। कुमार फॉरेंसिक को बुलवाओ, हो सकता है खून के धब्बे मिटाने के लिए बस को धोया गया हो। सर परितोष जितनी आसानी से हमारी पकड़ में आ गया पक्का कोई खेल खेल रहा। हो सकता है उन 5 रेपिस में ना होकर वो छठा लड़का हो जो उनको ज्वाइन करने वाला था। सर हमारी एक टीम इसके दोस्तों को पता कर रही है। तेरी? हाँ साहब मेरी बस है। इस बस के पीछे एक स्टिकर लगा रहता था जिस पे लिखा था उड़ जा रहे पंछी। वो स्टिकर किसने उतारा और क्यों उतारा? उड़ जा रहे पंछी साहब मुझे नहीं मालूम, वो बस मेरी है लेकिन उसे मेरा ड्राइवर चलाता है साहब। बस तेरी है और तेरी बस में खून के धब्बे मिले, अब अगर कुछ भी छुपाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ साहब, मैंने बोला ना वो मेरा बस ड्राइवर चलाता था। ड्राइवर का नाम बोल। साहब उसका नाम घनश्याम है और वो भदोही में रहता है। ड्राइवर के साथ कोई कंडक्टर भी था? हाँ साहब उसका नाम जुगनू है। वो कहाँ रहता है? रुखसार बस्ती में रहता है साहब। दोनों की फोटो है कोई तेरे पास? नहीं साहब, वो उसको घनश्याम लाया था, मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ साहब। घनश्याम का भदोही का एड्रेस बोल। पापा मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मुझे भी दीदी से मिलना है, आप यहाँ आकर मुझे दीदी के पास ले चलो ना पापा। बेटा तेरी दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम बहुत जल्दी उन्हें घर लेकर जाएंगे, फिर मिल लेना आपसे। उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए जैसे खुद को बचा लिया वैसे उसे भी बचा लेती। सर कम सर घनश्याम के घर पे तो ताला लगा हुआ है। कंडक्टर जुगनू की क्या अपडेट? सर मनीष सर 2 घंटे से अपनी टीम के साथ रुखसार बस्ती में ही है लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला। सलाम साहब, साहब 2-3 पान दुकान वालों से पता किया तो पता चला है कि जुगनू नाम का कंडक्टर इसी बस्ती में रहता है लेकिन उसके घर का अभी तक पता नहीं चल पाया। सर कोई बात नहीं, आसपास इंक्वायरी करते हैं, यहीं रहता है तो पता चल जाएगा। जी सर। ये सुनो
आसपास कहीं जुगनू नाम का एक बस कंडक्टर रहता है, तुम्हें पता है कहाँ रहता है? हाँ, वो सामने वाली गली में कहीं तो रहता है। आगे वाली गली में? जी। कुमार, बस। जी। ये जुगनू यही रहता है? जी, मेरा बेटा है साहब, क्या हुआ? देखना। क्या हुआ साहब? ये लड़का कौन? यही तो मेरा बेटा जुगनू है। ए सुनो, उधर देखो, तुम उधर जाओ। चारों तरफ छवि को इंसाफ दिलवाने का शोर था। कहीं आशा की आंच जल रही थी, कहीं धरने हो रहे थे। ऐसी गहमा गहमी कभी नहीं हुई थी। सर, बस के मालिक ने जो हमें ड्राइवर घनश्याम का नंबर दिया था, वो नंबर घनश्याम सिंह के नहीं बल्कि किसी सलीम अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। साहब, घनश्याम मेरे ही गांव का है साहब, और मेरा ये नंबर घनश्याम ही इस्तेमाल करता था। मिलकर लड़के का रेप किया, और कौन कौन शामिल है? यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया साहब। घनश्याम कहाँ है? सलाम उस्मान भाई, मैं सलीम, सब खैरियत ना? ओ, मुझे घनश्याम से बड़ा अर्जेंट काम था, वो आया है ना वहाँ? हाँ, वो आया है। साहब, आप खाम का पकड़ के लाए हो मैंने, और मोबाइल की बात तो ऐसी है, वो सलीम जो है मेरे से ज्यादा डाटा इस्तेमाल कर रहा था। अब चुपचाप बोल, रेप में और कौन कौन शामिल था? साहब, खाम का गलत फहमी हो रही है आपने। गलत फहमी तुझे हो रही है तो झूठ बोल के बच जाएगा। मिश्रा, गलत फहमी दूर करो। अरे साहब, घनश्याम को चुगल नहीं रहा सर। और सर, यदुवेंद्र ने हमें बताया था कि ड्राइवर की दाढ़ी बड़ी हुई थी। शर्मा, ये भी तो हो सकता है उसने दाढ़ी कटवा ली। सर, मैं काम करूँ, यदुवेंद्र को बुलाओ। जितने भी लोगों को हमने अभी तक उठाया है, उन सब की परेड करवाते हैं यदुवेंद्र के सामने। सब सारा मेडिसिन अरेंज कर लेना। और छवि ठीक तो है? वो लड़ रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की, आप हिम्मत रखिए। कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है इन लोगों ने अपना हुलिया बदल लिया। याद करने की कोशिश करो, चेहरे पे कोई मार्क, हाथ पे कोई मार्क या कुछ भी। अच्छा, बातचीत करते वक्त उन लोगों ने एक दूसरे का नाम लिया या बात करने का लहजा? उनमें से किसी एक ने कहा था आनंद लो बालक, आनंद लो बालक। आनंद लो बालक, आनंद लो बालक। बोल, और कौन कौन शामिल था? ठिकाना बोल सबका। एक, दो, तीन, चार, और पांचवा बस कंडक्टर जुगनू, ये माइनर है। पर हमें पता चला है कि तुम लोगों के पास कोई छठा भी आने वाला था, वो कौन था? प्लानिंग किसकी थी? चलो ठीक है मम्मा, रखती हूँ मैं। अरे दीदी, कहाँ जाना है? तो सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि छठा कौन था। उस वक्त तो मुझे लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं था साहब, वो तो मुझे दारू पी निकले बुला रहे थे, मैं गया ही नहीं था वहां।
दिनों की सुनवाई के बाद उन 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई और जुगनू जो कि माइनर था उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन बाकी 4 एक्यूज लगातार फांसी की सजा से बचने की गुहार लगा रहे थे। उसके साथ कोठरी शेयर करने वाले क्रिमिनल्स का कहना था कि घनश्याम ने आत्महत्या की थी, पर क्या ये वाकई में आत्महत्या थी? इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन बाकी 3 क्रिमिनल्स की फांसी की सजा अब भी बरकरार रखी गई थी। लेकिन उनको फांसी होगी या नहीं, इसको लेकर कई अटकलें गर्म थी। तेरे दादा ने भी एक बार में 2 से ज्यादा फांसी ना दी है, पूरे एक बार में 3 फांसी देनी है। हाँ प्रेशर तो बहुत है, पर मैं घर पे भी प्रैक्टिस कर रहा था। घर पे प्रैक्टिस कर रहा था? अरे क्रिकेट मैच है क्या जो घर पे प्रैक्टिस कर रहा था? इस फांसी की कोठी में कई सालों से फांसी ना हुई है, तख्ते और लेबर को बहुत बढ़िया से चेक कर लेना, ठीक है? अरे भाई तू तो आते ही आउट हो रहा है, तू तो बोल रहा था कि घर में बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। अरे तरह से हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मुझे अपने दादा का रिकॉर्ड तोड़ना, एक साथ 3 को फांसी देकर अप्रैल शुरू करें। साढ़े 5 बजे 3 ही अपराधियों को फांसी की सजा दे दी गई। ये एक ऐतिहासिक दिन है, आज इंसाफ की जीत हुई है। आज हमारे छवि को सुकून मिला। उस वारदात के तकरीबन 5 साल बाद छवि के गुनहगारों को आखिरकार फांसी दे दी गई। इस दौरान अपराधियों ने लगातार कोशिश की कि उनकी फांसी रोक दी जाए, लेकिन ऐसे अपराधी कभी भी माफी के लायक नहीं हो सकते। इस सजा के जरिए हमारी न्यायिक व्यवस्था ने यही उदाहरण पेश करने की कोशिश की। समाज को अगर ऐसे अपराधों से बचाकर रखना है तो ऐसे अपराधियों के मन में ये डर ये खौफ घर करना चाहिए कि वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।